ज्योतिर्मय कर लो। ओम शांति। बाबा ने अंतर्वाहक शरीर का अर्थ बताया है 1971 के अंदर 11 फरवरी की वाणी में। बाबा ने बोला, एक सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो? जैसे मरने के बाद आत्मा एक सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतर्वाहक शरीर द्वारा, अंतर्वाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है कि अंतर्वाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतर्वाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई न कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं, वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से एक सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए अंतर्वाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से भी परे रहते हो, इसलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जीवन को ज्योतिर्मय कर लो, जीवन को ज्योतिर्मय कर लो, ज्योति बिंदु के ध्यान से अंतर मन की प्यास बुझा लो, राजयोग सद ज्ञान से अंतर मन की प्यास बुझा लो, राजयोग सद ज्ञान से जीवन को ज्योतिर्मय कर लो।